साथ हमारी प्रार्थना है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है, इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है। टाटानगर से सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमिटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। अभी सारा का सारा फोकस रेस्क्यू पे है और कंप्लीट फोकस है। जिस तरह से जिनके भी गहरी चोटें आई हैं उनको ठीक जगह पे पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और परिजनों के पास ठीक खबर पहुंचे, सारा फोकस उस चीज पे। देखो ये जिस तरह की घटना है, ये जिस तरह की दुर्घटना है, उस दुर्घटना में सबसे पहले हमारा फोकस रहना चाहिए मानवीय संवेदना। किस तरह से जिन परिवारों के मेंबर चले गए हैं पहले उनके पास ठीक तरीके से पहुंचे, जो व्यक्ति आज घायल हुए हैं उन घायलों का इलाज हो सबसे पहले।